नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सी राजेंद्र अरोड़ा है और आज हम अपने YouTube चैनल पर हाजिर हुए हैं आपके साथ एक और बड़े ही इंटरेस्टिंग पॉइंट को जीएसटी में लेकर। दोस्तों आपको याद होगा सेक्शन 77 ऑफ द एक्ट, जहां पर यह प्रोविजन दिया गया था कि अगर आपने आईजीएसटी की जगह सीजीएसटी एसजीएसटी पे कर दिया या सीजीएसटी एसजीएसटी की जगह आईजीएसटी, मतलब किसी भी ट्रांजेक्शन को इंटर स्टेट सप्लाई ट्रीट कर लिया जबकि वो इंट्रा थी या इंट्रा ट्रीट कर लिया जबकि वो इंटर थी, तो जो भी गलत टैक्स आपने पे कर दिया है तो प्रोविजन ये कहता था कि आप उस गलत टैक्स को रिफंड क्लेम करें सेक्शन 54 के अनुसार और जो सही टैक्स है वो आप दोबारा से पे करें। इसको देखते हुए बहुत सारी समस्याएं टैक्स पेयर्स को आई क्योंकि उनके कैश फ्लो स्ट्रक हो गए, वर्किंग कैपिटल फ्लोज में प्रॉब्लम आ गई और कहीं ना कहीं एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिफिकल्टी भी टैक्स पेयर्स के लिए आई कि उनको अपना कैश रिफंड लेने के लिए प्रोसेस को पूरा फॉलो करना पड़ता है और साथ ही साथ जो हमारे ऑफिसर्स हैं, जो रिफंड इशूइंग अथॉरिटीज हैं, प्रॉपर ऑफिसर्स हैं, उनको भी इन रिफंड्स को प्रोसेस करने में कहीं ना कहीं उनका वर्कलोड बढ़ा जो कि जरूरी नहीं था। इस बात को देखते हुए 28 जून 2019 को फोर्थ अमेंडमेंट रूल्स के माध्यम से एक नोटिफिकेशन निकाली गई 31/2019 सेंट्रल टैक्स, जिसमें कैश लेजर, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का रूल जो रूल नंबर 87 है उसमें सब रूल 13 ऐड किया गया, लेकिन उसमें ये लिख दिया गया कि इस रूल की इंप्लीमेंटेशन एक फ्यूचर नोटिफिकेशन के द्वारा होगी। मतलब एक तरीका दिया गया कि आप अगर कोई भी कैश लेजर में आपका गलत टैक्स पे हो गया, मान लीजिए सीएस पे हो गया, आई पे होना था, या आपने इंटरेस्ट पे कर दिया जबकि वो टैक्स में पे होना था, या वाइस वर्सा कुछ भी, तो आप अपने आप उस अपने पोर्टल में जाकर उस क्रेडिट को ट्रांसफर कर सकते हैं। PMT09 एक फॉर्म इशू किया गया लेकिन उसको इंप्लीमेंट कभी नहीं किया गया। लगभग एक साल के बाद सरकार अपनी नींद से जागी। 21 अप्रैल 2020 को देखा गया कि पोर्टल पे अचानक से वो PMT09 नजर आना शुरू हो गया और उसको भरने की फैसिलिटी GSTN पोर्टल पे आ गई। लेकिन हमने जब उस बात को पड़ताल की, तफ्तीश की, तो देखा गया कि जो 28 जून 2019 की 31/19 नोटिफिकेशन थी वो कहीं ना कहीं अभी इंप्लीमेंट ही नहीं हुई थी और उसकी इंप्लीमेंटेशन डेट ही डिसाइड फर्दर फ्यूचर नोटिफिकेशन के द्वारा नहीं की गई थी। कानून नहीं है लेकिन पोर्टल पर आ गया, बड़ा ब्यूटीफुल सर्कमस्टेंस है कि कानून नहीं है लेकिन पोर्टल पर फैसिलिटी आ गई। तो सरकार को अपनी गलती का एहसास हुआ, सरकार को ये सिचुएशन का एहसास हुआ, उन्होंने कॉग्निजेंस लेते हुए 28 अप्रैल को 2020 को एक 37/20 नोटिफिकेशन निकाली गई जिसमें उन्होंने कहा कि रूल 87 सब रूल 13 की इंप्लीमेंटेशन 21 अप्रैल 2020 से की गई, जिस डेट से वो पोर्टल पर नजर आना शुरू हो गया। तो सरकार ने अपनी गलती सुधार ली, 28 अप्रैल को नोटिफिकेशन निकाली लेकिन इफेक्टिव डेट, उसकी इंप्लीमेंटेशन डेट जो है वो 21 अप्रैल मतलब रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से उस रूल को 87/13 को इंप्लीमेंट कर दिया गया। फटाफट ये जान लेते हैं कि PMT09 क्या है। आपको पता है समस्या क्या है मेरी, मैंने IGST पे कर दिया है या CGST SGST पे कर दिया, IGST पे करना था, टैक्स पे करना था लेकिन इंटरेस्ट पे कर दिया या वाइस वर्सा। तो PMT09 में दो तरीके के हेड है, मेजर हेड में सारे टैक्सेस आते हैं, ICS, UT, SES, ये सारे टैक्सेस जो है मेजर हेड में आते हैं, इनको मेजर हेड कहा जाता है। इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस, अदर्स करके माइनर हेड है। आपके पास फैसिलिटी है कि आप मेजर हेड टू माइनर हेड, माइनर हेड टू मेजर हेड, मेजर टू मेजर, माइनर टू माइनर और इवन माइनर टू माइनर अंडर सेम मेजर। मतलब अगर आपने पेनल्टी पे कर दी है सीजीएसटी एसजीएसटी की जबकि आपने ब्याज पे करना था, तो आप पेनल्टी से CGST SGST की पेनल्टी से, CGST UTGST की पेनल्टी से इंटरेस्ट में ट्रांसफर कर सकते हैं। मेजर हेड सेम रहा लेकिन माइनर हेड में आप ट्रांसफर कर सकते हैं। और सबसे खास बात यह है कि आप खुद से जाकर अपने पोर्टल पर एक PMT09 फॉर्म भरेंगे, बहुत ही सरल है, आप भरें और वहां से उस टैक्स को ट्रांसफर, जो भी टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस, जो भी आपका गलत पे हुआ है, उसको इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से एक माइनर हेड मेजर हेड से दूसरे मेजर हेड में ट्रांसफर कर सकते हैं। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर आपको अच्छा लगे आप इसको हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हमारे सभी मेंबर्स को इसका फायदा मिल सके। धन्यवाद।